ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद जमाल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली व्यूज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करता हूं ताकि आने वाले कल की संभावनाएं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल सके। मगर इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मेरे कई दोस्तों ने कई बार बोला कि सर म्यूचुअल फंड पे आप जानकारी के लिए वीडियो बनाएं। वैसे तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एनालिसिस करता हूं। लोगों को अक्सर कहते सुना है अगर बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। अगर सचमुच सिर्फ मेहनत करने से आदमी बड़ा बन जाता तो आप सोचो कि ये जो मजदूर हैं, जो रोड पे काम करते हैं, जो पहाड़ पत्थर तोड़ते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो सब बड़े आदमी बनते। लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ मेहनत करने से इंसान बड़ा नहीं बनता है, ये सच नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ इसलिए आपको साइंस की भाषा में समझाता हूँ। मेरे हिसाब से मेहनत एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ यू ऑल विल मेक अ फन एंड लाफ अलाउड टू मी कि ये वेक्टर और स्केलर इस झमेले में आपने फंसा दिया। तो दोस्तों वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। अगर मेहनत को मैग्नीट्यूड से समझा जाए तो मेहनत प्लस सही डायरेक्शन यही इंसान को बड़ा बनाता है। मजदूर तो मेहनत करता है मगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मालूम है। अगर इफ यू वांट टू बिकम अ नंबर वन यू विल बी, अगर आप नंबर वन होना चाहते हैं तो आप मेहनत करेंगे तो आप नंबर वन बन जाएंगे। बट इफ यू वांट टू बिकम अ ओनली वन, अगर सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहते हैं, यू विल हैव टू बी अ यूनिक। आप इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर आप नंबर वन बनना चाहते हैं तो मेहनत करके नंबर वन बन सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिक होना चाहते हैं तो सिर्फ एक होना चाहते हैं तो आपको यूनिक होना पड़ेगा। इसीलिए थिंक पॉजिटिव बी स्मार्ट, क्योंकि आज की बचत ही कल की मुस्कान है। तो इसमें मैं आपको करोड़पति, हाउ टू बिकम अ करोड़पति या मिलियनेयर, इसके लिए आपको मैं बताने वाला हूं कि आप एक मामूली बचत से किस तरह से अपने आप को करोड़पति बना सकते हैं, यानी कि स्मार्ट। करोड़पति बनने के लिए स्मार्ट बनना होगा। आप लोगों में से कौन कौन सा स्मार्ट बनना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको नौकरी के बारे में बताता हूँ। नौकरी करके कोई भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता है, मगर ट्रेड करके, व्यापार करके एक इंसान बिजनेसमैन बड़ा बन सकता है। जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये सब क्या है, इन लोगों का काम बिजनेस करना है। ये बिजनेस करते हैं और कई लोगों को नौकरी पर रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये बिजनेस में तीन तरह के मोस्टली जो है बिजनेस है जो आपको बहुत जल्दी ग्रो करके दे सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करेगा, मगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है। अब जैसे राकेश झुंझुनवाला एक आम आदमी था, आप लोगों ने सुना होगा टाइटन का, उसने सिर्फ शेयर खरीदा और रातों रात करोड़पति बन गया। लेकिन इसके लिए क्या है, उसने बहुत सारे अपने जीवन के टाइम उसमें लगाए हैं, तब उनको स्टॉक के बारे में समझ आई। तो एक आम आदमी से हट के है स्टॉक में समझना पड़ेगा तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये एक रिस्की भी है। सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट से भी ह्यूज पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें ह्यूज मनी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज्यादा है, काफी इन्वेस्टमेंट है जिससे आप काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तीसरा सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो आज तक मुझे समझ में आया है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। इसमें आपको किसी भी प्रकार की जानकारी की जरूरत नहीं है। ये हम आगे बताएंगे किस तरह से जानकारी की जरूरत नहीं है और इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, सपोज कर लो कि मैं आपको ऑफर देता हूं, दो ऑफर है। एक ये है कि आपको मैं एक साथ 10 लाख रुपीस देता हूं, और एक ऑफर ये है कि मैं एक रुपए का जस्ट डबल करते हुए आपको 30 दिन तक एक रुपए का दुगुना मैं दूंगा। आप लोगों में से कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे, 10 लाख रुपया एक बार लेके आप क्विट कर जाएंगे या एक रुपया वाला ऑप्शन चूज करेंगे, आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। और जरूर लिखिए, कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं देखूंगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग पूरा इस वीडियो को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो सपोज कर लो कि एक रुपया किसी स्मार्ट आदमी ने, अगर मैं हूं तो मैं एक रुपया लेना पसंद करूंगा, क्योंकि स्मार्ट आदमी स्मार्ट सोचता है, वो हर चीज से अलग सोचता है। अगर सपोज कर लो आज एक दिन, पहला दिन है तो एक रुपया दिया, दूसरे दिन में मैं कितना दूंगा, 2 रुपया दूंगा, तीसरे दिन में 4 रुपया दूंगा, चौथे दिन में 8 रुपया दूंगा, पांचवें दिन में 16 रुपया दूंगा, 10वें दिन में ये आपका 512 रुपया होगा, 15वें दिन में 16,384 रुपया होगा, और 18वें दिन में जाते जाते 1,31,072 रुपया हो जाएगा, और 20वें दिन ये 5,24,888 हो जाएगा, और 21वें दिन में ही ये 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। आप समझ रहे हो एक रुपए का कितना पावर, दिस इज द म्यूचुअल फंड। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसमें सीप जानेंगे और इन्वेस्टमेंट के नए आयाम कैसे कैसे अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से 5 साल 10 साल जो एक होराइजन है, जो आपका सपना है, उसमें पूरा कर सकते हो। इसलिए करोड़पति बनना बिल्कुल ही आसान है। अगर ये कंपाउंडिंग आपके दिमाग में घुस गया कि पैसा कंपाउंड किस तरह से होता है,
तो आप करोड़पति बन सकते हो, नो वन कैन स्टॉप टू बिकम अ करोड़पति। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है, उसके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू चूज गुड फंड, सबसे अच्छा फंड हम अपने आप को कैसे चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड है क्या, जिन लोगों को शेयर बाजार की जानकारी बिल्कुल नहीं है तो वैसे आदमी के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है पैसे इकट्ठा करती हैं और वो उनके पास एनालिस्ट वगैरह होता है जो ये जानता है कि कौन से शेयर में हम पैसा लगाएंगे तो कितना ग्रो करेगा, तो वो वैसा काम करता है। जैसे इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि सपोज कर लो कि मुझे पैसे तो हैं और मुझे कार खरीदनी है लेकिन कार मुझे चलाना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास पैसा है तो कार तो मैं खरीद लूंगा मगर ड्राइवर को मैं हायर कर लूंगा। ठीक उसी तरह से ये म्यूचुअल फंड कंपनीज है कि जिन लोगों को शेयर बाजार में नॉलेज नहीं है उनके लिए सेफ साइड है कि ये फंड मैनेजर होते हैं, कंपनियां होती हैं, उसके बाद कंपनियां क्या करती हैं, पैसे इकट्ठा करती हैं, पैसे इकट्ठा करने के बाद इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करने के बाद उनके जो है फंड मैनेजर होते हैं, यानी कि वो मैनेज करते हैं फंड को कि ये पैसा हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इसी में महारत हासिल होती है उनकी, तो वो जिन जिन शेयर्स में वो लगता है उनको कि ये अच्छा ग्रो करेगा तो उसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटीज उनकी जो है वही उन्हीं के अंडर में होती है, उसके बाद जो भी रिटर्न आता है वो रिटर्न फिर क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर को पास ऑन कर देते हैं। लेकिन इसके बदले में ये फंड जो चलाते हैं कंपनियां वो आपसे कुछ पैसे लेती हैं, चार्जेस करती हैं, क्यों, क्योंकि वो आपका काम वो कर रही हैं, यानी कि आपने इस कंपनी को हायर किया हुआ है, जिस तरह से कार के लिए आपने ड्राइवर हायर किया था ठीक उसी तरह आपने इस कंपनी को आप अपने फंड को मैनेज करने के लिए हायर किया है म्यूचुअल फंड। तो मैंने यहाँ पर जान लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड जो है कई तरह के होते हैं, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है, डेट म्यूचुअल फंड्स होता है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है यानी कि डायरेक्ट जो है ज्यादातर इक्विटी में यानी कि शेयर्स में जो है वो पैसे उसमें इन्वेस्ट होते हैं, तो इसमें क्या है रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है तो रिटर्न भी क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह से डेट फंड है, डेट फंड यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, जैसे आप जानते हो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक लमसम उसमें हमको पता है कि इतना परसेंट, 5%, 6%, 6.5%, 7% का रिटर्न आएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते हैं जिसमें 7-9% का रिटर्न आता है, एक फिक्स है, इसमें क्या है रिस्क बहुत कम है तो रिवार्ड भी बहुत कम है। और उसी तरह से हाइब्रिड फंड है यानी कि दोनों इक्विटी और डेट दोनों को मिला के एक हाइब्रिड बनाया हुआ है, इसमें क्या है रिटर्न डेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद एक सबसे अच्छा जो मुझे बेहद पसंद है सिप है। सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो अभी आपको मैंने ये एक रुपए वाला एग्जांपल दिया था, आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा होगा, तो उसी तरह से सिप, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है 500 रुपए से भी आप सिप शुरू कर सकते हैं, कई कई जगह पर 100 रुपए से भी सिप शुरू किया जा सकता है। तो आपको हर महीने में एक होराइजन आप अपना चूज कर लें कि हमको 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपकी उम्र कितनी है, कब तक रिटायरमेंट आप चाहते हैं, कब तक जमा करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा पैसा आपको करोड़ों रुपए बना देगा 10 साल 15 साल में। और जैसे जैसे आपको अर्निंग बढ़ती जा रही है तो आप उसमें और एडिशन कर सकते हैं, जैसे 1,000 रुपए महीने का अगर आपने सिप शुरू किया है लेकिन 5 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको लगता है आपकी अर्निंग बढ़ गई है तो उसको 2,000 का कर सकते हैं, 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का कर सकते। और इसी तरह से फंड्स को हम इसमें चूज करते हैं, फंड्स को इसमें फंड्स कैसे चूज किया जाता है ये इसके लिए एक फिर लंबा एक टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो अर्निंग रेशियो देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड पिछला परफॉर्मेंस इसका कैसा रहा, अगले मतलब पिछले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसी रिकॉर्ड से हम अंदाज लगाते हैं कि पीछे अगर अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा करेगा। तो अब हम जानेंगे इसमें आप लमसम अमाउंट से भी फंड को परचेज कर सकते हैं, समय की कोई मियाद नहीं है, लाइक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अगर छोटा अमाउंट से भी शुरू करना चाहते हैं जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से तो कर सकते हैं, लेकिन और भी अगर कम है तो सिप इज द बेस्ट ऑप्शन। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बिना कोई चार्ज लिए काम करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक अभी का अभी कर लीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों और परिचितों के साथ इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे साझा कीजिए ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड कैसा लगा यह वीडियो, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए, ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।